नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मुंबई में बीके बहनों की महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से हुई मुलाकात। विश्व में शांति स्थापना का राज्यपाल ने पूछा समय। ब्रह्मा कुमारीज के कई सेवा केंद्रों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। CDS जनरल बिपिन रावत समेत शहीद हुए लोगों को दी पुष्पांजलि। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ब्रह्म कुमारीज और ब्लड बैंक द्वारा लगा ब्लड डोनेशन कैंप। बीके सदस्यों ने किया रक्तदान, अतिथियों ने रक्तदान को बताया महादान। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र और ऑल इंडिया वुमन कॉन्फ्रेंस संस्थान ने मिलकर चलाई ऑनलाइन सीरीज। एक साल में आयोजित होंगे 54 बैठक। सामाजिक मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। अब खबरें विस्तार से। मुंबई के श्री षणमुखानंद चंद्रशेखर सरस्वती सभागार में डॉक्टर M.S. सुबुलक्ष्मी अवार्ड 2021 सेरेमनी में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का चीफ गेस्ट के रूप में आना हुआ। इस अवार्ड समारोह में पूरे देश के 50 होनहार संगीतकारों को फेलोशिप अनुदान प्रदान किया गया। समारोह के अंत में बीके माला की मुलाकात माननीय राज्यपाल से हुई, जिस मुलाकात में राज्यपाल कोश्यारी ने बीके माला से ओम शांति करते हुए पूछा कि विश्व में शांति कब होगी। इसके उत्तर में बीके माला ने कहा, आपके और ब्रह्म कुमारीज के सहयोग से विश्व में जल्द ही शांति की स्थापना होगी। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सैन्य कर्मियों के निधन पर ब्रह्म कुमारी संस्था जगह जगह सेवा केंद्रों पर शहीदों के लिए शांति योग साधना सभा का आयोजन कर रही है। इसी के चलते जबलपुर कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर हवाई दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसका आरंभ जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल S. मोहन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, माउंट आबू से बीके हरिहर समेत कई बड़े ऑफिसर्स ने दिवंगत आत्माओं के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस सभा में मौजूद सभी अधिकारियों एवं संस्था के सदस्यों ने शहीद सैन्य कर्मियों को 2 मिनट मौन रहकर उन्हें विनम्र एवं भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल S. मोहन ने जनरल बिपिन रावत को सारी सेना का अभिभावक बताया। वहीं बीके विमला ने उन्हें याद करते हुए कहा कि भारत देश उनके कर्तव्यों को सदा याद रखेगा। उनको एक गवर्नर ऑफिसर के रूप में, एक वेलविशर के रूप में पूरी जिंदगी मैंने पाया है, तो व्यक्तिगत रूप में भी मेरा और मेरी पत्नी जो यहाँ है इसके लिए था, हम दोनों की तरफ से इस समारोह का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत। ऐसे ही मुंबई बोरीवली वेस्ट के गौरे सेवा केंद्र पर भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां 2 मिनट का मौन रख और कैंडल जलाकर हादसे में शहीद CDS बिपिन रावत समेत अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस सभा में सांसद सुनील राणे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारुल समेत कई लोग सेवा केंद्र पर देश के सपूत वीरों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस मौके पर सांसद सुनील राणे ने जनरल रावत को याद करते हुए कहा कि देश की ये सबसे बड़ी क्षति है। वहीं बीके बहनों ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा सेवा केंद्र, महिला शांति सेना और तमाम संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीदों के प्रति सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा नॉर्थ ईदगाह में आयोजित इस सभा में संस्था की बीके बहनों ने शहीदों को नमन कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस सभा में अन्य धर्म गुरु भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया। रक्त और आध्यात्मिक ज्ञान किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी है, क्योंकि जैसे रक्त किसी की जान बचाता है, तो वही आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। इसी बात का जीवंत उदाहरण देखने को मिला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर, जहां हमारा खून बचा ही जिंदगी अभियान के अंतर्गत रक्तदान शिविर लगाया गया। इस पुनीत कार्य का शुभारंभ लायंस क्लब के अध्यक्ष रविंद्र टुटेजा,
देवी कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता वीके सिंह, बंगाली समाज महिला संघ की संचालिका वंदना दत्ता, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार मिश्रा और सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या ने दीप जलाकर किया। शुभारंभ के पश्चात बीके विद्या ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपने भाषण में कहा कि दान व्यक्ति के लिए डबल ऑफर जैसा है। पहला तो है, दान देने वाले को उस वस्तु की कभी कमी नहीं पड़ेगी और दुआएं अलग मिलेंगी, इसीलिए हमें जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। सेवा केंद्र पर यह शिविर ब्लड बैंक ऑफिसर की निगरानी में लगाया गया, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े लगभग 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। नशे को लेकर भी प्रजापति ब्रह्म कुमारी का बहुत सराहनीय योगदान है और रक्तदान, महादान इस अभियान से जुड़ के तो एक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अभियान को आयोजित करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा वक्त मैं ये बताना चाहूंगी कि हम लोग अपने शरीर में खून लेके घूम रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खून के बिना जीवन उनका चला जा रहा है, तो अगर थोड़ा सा खून देके किसी की जिंदगी बचा सकते हैं तो ये प्रयास जरूर करें। मेरा ए निगेटिव ब्लड है और मैं अपने समय में लगभग 15 बार ब्लड दे चुकी हूँ, लेकिन अब भी देना चाहती हूँ, लेना नहीं चाहती। गुरुग्राम के पालम विहार स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र और ऑल इंडिया वुमन कॉन्फ्रेंस संस्था ने मिलकर एक ऑनलाइन सीरीज हेलो जिंदगी का आगाज किया है, जिसके अंतर्गत पूरे साल में 54 प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे। इस ओपनिंग इवेंट में ऑल इंडिया वुमन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा शीला काकड़े, पालम विहार सेवा केंद्र के प्रभारी बीके उर्मिल समेत AIWC की 60 से भी अधिक वुमेन एक्टिविस्ट चर्चा के लिए ऑनलाइन कनेक्ट हुई और कई सामाजिक मुद्दों पर गहराई से विचार विमर्श किया और आगे के इवेंट्स के लिए प्लानिंग भी की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए ब्रह्मा कुमारीज ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग सेमिनार आयोजित किया, जिसमें 60 छात्रों ने स्पिरिचुअल वैल्यूज द्वारा चैलेंजेस का सामना करने का तरीका जाना। दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर रिट्रीट सेंटर में आयोजित इस सम्मेलन में दुर्ग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रीटा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन यापन के लिए पढ़ाई जा रही स्कूली शिक्षा को आप जरूर पढ़ें, लेकिन मन को शांत व खुश रखने के लिए रोजाना आधा घंटा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करें। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में कॉलेज के PRO राजीव नायर का विशेष सहयोग रहा। अब कुछ खबरें एक नजर में। राजस्थान के बालोतरा सेवा केंद्र पर प्राकृतिक स्वस्थ जीवन शैली पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 7 दिवसीय शिविर में नेचुरोपैथी डॉक्टर बीके नरेश अग्रवाल ने दी स्वस्थ भोजन प्रणाली संबंधित जानकारी। वहीं HRRL के कॉन्ट्रैक्टर कंपनी JSIW इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन, जिसमें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों ने लिया भाग। कार्यक्रम में बीके सदस्यों ने सभी को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देते हुए कराया राज्यों का अभ्यास। MP के बीना सेवा केंद्र की ओर से स्कूल में बच्चों के लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप का आयोजन। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व विषय पर वर्कशॉप, बच्चों को कराए ओम की ध्वनि का अभ्यास। बीके बहनों ने कहा, किताबों को बना ले अपना सच्चा मित्र। MP जबलपुर के धनवंतरी सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक चिकित्सा स्नेह मिलन का आयोजन। बीके हेमलता ने जीवन में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने की कही बात। स्नेह मिलन में शहर के कई बड़े डॉक्टर्स भी हुए शामिल। कार्यक्रम में शामिल डॉक्टर्स को किया सम्मान पत्र से सम्मानित। यूपी के मथुरा में नव उज्जवल फाउंडेशन द्वारा विकलांगों के लिए सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम। कार्यक्रम में संस्था की बीके सुजाता ने किया अपने विचार व्यक्त। बीके सुजाता ने कहा कि स्वयं के अवेयरनेस और दृढ़ता से इंसान कुछ भी कर सकता है। असम के शिवसागर जिले में नजीरा में नई बीके पाठशाला का शुभारंभ। SDO ने रिबन काट कर किया उद्घाटन। 3 सुखिया सब जोन प्रभारी बीके रजनी समेत उपस्थित रहे कई बीके सदस्य। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के उपसेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। बीके सुनीता ने किया अतिथियों का स्वागत। बीके बहनों ने बताया, निस्वार्थ भाव से प्यार व खुशी से किया गया हर कार्य सत्कर्म है। यूपी के हरदोई स्थित असरफाबाद ग्राम में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम। हरदोई सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोशनी ने एक पिता परमात्मा शिव का दिया परिचय। सैकड़ों ग्रामवासी कार्यक्रम में रहे उपस्थित। राजयोग मेडिटेशन के साप्ताहिक कोर्स को करने की जताई मंशा।
हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।